आप ये सोचो कि इतने अच्छे जो काम इन्होंने वेलफेयर के शुरू किए हैं गुरुजी ने, उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली अब जैसे ड्रग माफिया है और ये जो जिनका जो भी धंधा चलता है वो तो ऑब्वियसली अगेंस्ट होंगे ही ना, कि हमारा जो है बिजनेस इन्होंने खराब कर दिया गुरुजी ने, तो इसलिए ये सब एलिगेशंस है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। इन एलिगेशंस में आई डोंट थिंक कोई सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्टाइज तुहाडा स्वागत है। आज असि थोनू मिलवान जा रहे हैं सोनाक्षी जी नाल, जो एक आईटी इंजीनियर है और करंटली वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे ने, तो एक डेरा फॉलोअर्स भी ने। काफी डेरा दा सौदा दे बारे काफी हेडलाइंस बन दिया ने, लगातार चर्चा च रहिंदा टॉपिक सेंड डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी सा। एक्चुअली रियलिटी की है डेरा सच्चा सौदा ਅਤੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰੀਮ ਸਿੰਘ ਜਿੰਸਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰੀਮ ਸਿੰਘ ਜਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦ ਫੈਕਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तो जब से मैं छोटी थी 5 साल से करने शुरू किया था मैंने, और मैं अब 28 इयर्स की हो गई हूँ, और अब तक मैं जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ मैं डेरा। आपको अभी भी विश्वास है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के ऊपर? विश्वास अभी भी विश्वास की तो बात होती है ना, कि एक बार बन जाता है तो फिर वो हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि अब है अब नहीं है। तो जहाँ जो वहां पर जाते हैं लोग, आप अगर पूछेंगे तो सभी का ही विश्वास है। और अक्सर लोग मुझे मिलते हैं जो नॉन डिवोटीज होते हैं, वो मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी भी है आपका विश्वास? तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मतलब जो जाता ही है, जिनको पहले से ही विश्वास, तो ऑब्वियसली जब उनको सब पता ही है इसलिए उनका विश्वास तो हिलने आती कहीं से, कि हाँ अब नहीं है या ऐसे है, ऐसा कोई मैटर नहीं होता। जी, लेकिन सोनाक्षी जी, उनके बारे में बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था, अलग तरीके से काफी मतलब उनके बारे में बातें दिखाई जा रही थी लगातार चैनल्स पे, उनके बारे में क्या कहोगे फिर आप? देखो, चैनल्स पे सारी मैनिपुलेट करके दिखाई जाती है न्यूज मोस्टली, क्योंकि पहले जब ये इंसिडेंट नहीं हुआ था तब हम भी ऐसे ही बिलीव करते थे कि जो हम न्यूज देखते हैं वो ही सही होती है। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट हमें ये पता चला कि कितनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज आती है चैनल्स पे, और मतलब टीआरपी के लिए यू कैन इमेजिन कि दे कैन डू दीज न्यूज चैनल्स, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं ये, सिर्फ टीआरपी अपने चैनल की बढ़ाने के लिए दे कैन प्रोड्यूस फेक न्यूज एज वेल। तो ये इसी करते ही इतना ज्यादा कुछ मीडिया वालों ने दिखाया है सेंट एमएसजी के बारे में, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर और ना ही अभी है ऐसा कुछ भी। वहां एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? एलिगेशंस तो देखो, अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई जो अच्छा काम करता है, जैसे अब गुरुजी ने इतना कुछ सोसाइटी के लिए किया है, ठीक है, अब 2011 में उन्होंने ये सफाई अभियान शुरू किया था जो गवर्नमेंट ने काफी टाइम के बाद स्टार्ट किया है, गुरुजी ने पहले से ही कर रखा था, और 17 अप्रोक्सीमेटली ऐसी जो हम जिनको प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, उन लड़कियों की पिताजी ने अपनी बेटी बनाकर किसी और के घर में शादी करवाई है, एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ, एंड उनके आगे भी बच्चे भी हो चुके हैं, मतलब एवरीथिंग इज वेरी गुड इन देयर लाइव्स नाउ, जो कि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारी कभी शादी भी होगी, और ना ही हम कभी इमेजिन करते हैं कि ऐसी लड़कियां कभी किसी के घर जाकर उनकी बहू बनेंगी, उनकी बेटी बनेंगी, जो कि पिताजी ने कर कर दिखाया है ऐसा। और हर एक महीने बाद यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, आप ये इमेजिन कर सकते हो, पूरा एक टैंकर होता है ना, जो टैंकर जो पेट्रोल का टैंकर भर के आता होता है, वो उतना बड़ा टैंकर आप इमेजिन करो ब्लड का, जो यहाँ से इससे भी ज्यादा ही डोनेट करते थे लोग, और बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं 18 अबव के जो होते हैं, जो मतलब एलिजिबल होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, दे यूज टू क्राई कि हमारा ब्लड क्यों नहीं ले रहे हो आप, जहां वहां जाकर जब उनकी लिमिट ही ओवर हो जाती थी तो कैसे लेके कोई ब्लड,
तो आप ये सोचो कि इतने अच्छे जो काम इन्होंने वेलफेयर के शुरू किए हैं गुरुजी ने, उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली अब जैसे ड्रग माफिया है और ये जो जिनका जो भी धंधा चलता है वो तो ऑब्वियसली अगेंस्ट होंगे ही ना, कि हमारा जो है बिजनेस इन्होंने खराब कर दिया गुरुजी ने, तो इसलिए ये सब एलिगेशंस है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। इन एलिगेशंस में आई डोंट थिंक कोई सच्चाई है। बीइंग गर्ल, आपको क्या लगता है वहां को, वहां पर लड़कियों की सेफ्टी को लेकर? वहां पे एक्चुअल मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज देयर इन द हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, वहां पर गर्ल्स स्कूल है तो वहां पर हॉस्टल है, वहां पर मैं रही हूँ, 3-4 साल रही हूँ मैं वहां पर। और यू नो जो प्लम्बर गाइज होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं ना वहां पर, वो भी गर्ल्स ही होती है वहां पे, देयर नो बॉयज अलाउड टू एंटर इन द हॉस्टल। और मतलब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है ना, मतलब ऐसा होता है कि वहां पर बिल्कुल पेरेंट्स जो है भेजती है, नॉन डिवोटीज के भी काम होते हैं वहां पर, और वो इसीलिए एनवायरनमेंट एंड मतलब वहां पे बिल्कुल टेंशन होके रह सकते हैं कि हाँ अपनी लड़की को भेजा है तो बिल्कुल यू कैन बी रिलैक्स्ड कि हाँ वहां पर कोई ऐसा कुछ नहीं है, और वहां पर बहुत अच्छी तरह से केयर होगी उनकी, और सारा कुछ गर्ल्स ही हैंडल करती है वहां पर, ठीक है, खाना बनाना और सफाई वगैरह, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एवरीथिंग इज गर्ल्स ही हैंडल करती है, नो बॉयज अलाउड इन दैट हॉस्टल। गुरुजी आते थे सोनाक्षी जी हॉस्टल में, स्कूल में? या श्योर, गुरुजी आते थे, एंड गुरुजी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि हमें अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, बिकॉज यू नो स्टेटस होता है सोसाइटी में कि इतना इतना फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, आज तक भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 21st century आ गई है, बट फिर भी ऐसा होता है कि गर्ल्स को काफी जगह पर ऐसा होता है कि पहले ही मार देते हैं, या फिर जब वो पैदा होती है उसके बाद मार देते हैं। और हमें गुरुजी ने यही सिखाया कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना बोल्ड बनना है, ताकि हम सोसाइटी को ये प्रूफ कर सके कि सिर्फ बॉयज ही कुछ नहीं होते हैं, गर्ल्स कैन ऑल्सो भी मतलब गर्ल्स भी अपना सोसाइटी का, सोसाइटी में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। जब गुरुजी हॉस्टल में आते थे तो मतलब क्या क्या आपको टिप्स देते थे, क्या शिक्षा देते थे? गुरुजी ने हमें हमेशा यही सिखाया कि हमें एक अच्छा इंसान अपने मतलब जो भी हमें संस्कार दिए हमारे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने, जो भी हमें सिखाया है हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है, और हमें समाज की भलाई में उसे इन्वेस्ट करना है। जो भी हमने सीखा है वो हमें दूसरों की हेल्प करना सिखाते थे, और कि जैसे हर एक अच्छा काम सिखाया कि जैसे हम कई बार ऐसे होता है कि हम अपने पेरेंट्स के आगे बोल देते हैं, काफी लड़ाई हो जाती है, बट वो चीज हमें गुरुजी ने ये सिखाई है कि अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करो ताकि जो तुम्हें देखता है उसके बेस्ट बंदा, कि हाँ हमारे गुरुजी ने हमें ये चीजें सिखाई है कि बहुत मतलब हाई फाई ऐसे होता है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो सबसे, चाहे तुम जहां मर्जी पहुंच जा सकते हो अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है कि अब देखो इतने सारे ओल्डेज होम्स खुले हुए हैं और बच्चे होते हैं जो अपनी जॉब वगैरह में बिजी हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, और ये गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि एंड तक भी, हमारे धर्मों में भी यही लिखा है कि एंड तक भी जब तक हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ हमें उनकी केयर और हमें उनका रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। और हमें ब्लड डोनेशन करना सिखाया है, और मैं अपने बर्थडे पे हर साल जो है अपने बर्थडे पे जरूर ट्री प्लांट करती हूँ, और मोस्टली जब भी मैं सोचती हूँ कि हाँ जैसे गुरुजी ने अपने बर्थडे पे स्टार्ट किया था ट्री प्लांट करना, वैसे ही गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि जो भी हम सोसाइटी के भले के लिए या फिर अर्थ के भले के लिए किसी के भी पराए लोगों के भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें वो चीज सब सारी करनी चाहिए, और हमें सब कुछ बहुत अच्छा सिखाया है ताकि हम एक सोसाइटी को ये दिखा सकें कि सिर्फ बॉयज ही कुछ नहीं होते, गर्ल्स भी उतना ही पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकती हैं, बल्कि बढ़ के कर सकती हैं, बॉयज से ज्यादा अच्छे तरह से नाम रोशन कर सकती हैं वो गर्ल्स, बॉयज। गुरुजी का नेचर व्यवहार कैसा लगता है? सॉरी, नेचर नेचर कैसा लगता है गुरुजी का? गुरुजी का नेचर तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब मैंने उन्हें मतलब कभी भी ऐसे, इतने सालों से हम वहां पर रहे हैं, मैंने कभी भी ऐसे ये नहीं देखा कि
कुछ गलत बोला हो किसी को, या फिर किसी को किसी का कुछ बुरा किया हो गुरुजी ने, हमेशा जो चाहे कोई गुरुजी के बारे में कुछ भी बोले, बट गुरुजी ने हमेशा उनको प्यार से ही, चाहे जैसे कोई गलत बोल देता है गुरुजी के बारे में तो फिर वो वापस आता है सॉरी मांगने के लिए, तो पिताजी ने कभी भी ऐसे उनको ठुकराया नहीं है इन द सेंस कि भाई मना कर दिया हो मिलने से। ऐसे गुरुजी ने हमेशा ही हर किसी को प्यार से मतलब टैकल किया, हर किसी को बहुत ही प्यार करते हैं पिताजी। मतलब मैंने ऐसा कोई इंसान धरती पे अभी तक देखा नहीं है कि जिसको कभी गुस्सा ना आता हो या कोई किसी के बारे में बुरा ना बोलता हो सिवाय गुरुजी को। एक और सोनाक्षी जी, काफी हॉस्टल के बारे में न्यूज दिखाई गई थी कि एक गुफा है और वहां पर रास्ता जाता है, बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया था, आप क्या बताओगे? आप भी हॉस्टल में रहे हो वहां पर, कहां पे एक्चुअल में, मतलब बिल्कुल जैसे बेसलेस न्यूज होती है ना वो चीज है ये। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और वहां पर था गेट एक, वहीं से नौ जो मेन गेट होता है वहीं से आते थे गुरुजी भी, और ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर कि हाँ ऐसे कोई सीक्रेट डोरवे है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। और गुरुजी आते थे हमसे हॉस्टल में मिलने, स्कूल में भी आते थे, और जब फंक्शन होता था तब भी आते थे गुरुजी, बट ऐसा कोई सीक्रेट डोरवे नहीं था वहां पर, जिससे मतलब जैसे जो इन्होंने मीडिया में शो किया है ऐसा नहीं होता था वहां पर। एक्चुअल में मैंने न्यूज में देखा था एक बार, वो एक रिजॉर्ट है वहां पर, उसको बनाकर दिखा रहे थे, बिकॉज जो वहां पर गया नहीं है उसको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो जो न्यूज में देखेगा वो क्लिक करेगा, बट जब मैंने वो न्यूज देखी थी तब मेरे को पता चला कि यार कितना गलत दिखा रहे हैं ये, क्योंकि दैट वॉज अ रिजॉर्ट, द एंट्री टू द रिजॉर्ट एंड दे वर कनेक्टिंग इट विद द गुफा ऑफ गुरुजी, तो ये तब बिल्कुल ही बेसलेस न्यूज थी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। गुरुजी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? यू नो गुरुजी ने अब तक मिलियंस ऑफ पीपल होंगे जिनका नशा छुड़वाया है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, एंड यहाँ पर ना 7 days का कैंप लगते हैं गुरुजी की तरफ से, और उसमें सारा कुछ छुड़वा देते हैं जितने, एक बार तो जैसे 80 times एक बार में 80 टाइम्स वो नशा करता था, मॉर्फिन का था आई थिंक वो बंदा, एंड इन 7 days ओनली छोड़ दिया था उसने नशा। ये इतना मतलब अगर वो कोई एक बंदा ले ले ना वो एक डोज भी, तो इट कैन बी फेटल फॉर दैट पर्सन, एंड वो 80 इंजेक्शन लेता था, और वो सात दिनों में ही छोड़ के चला गया वो नशा। एंड ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने वहां पर आके नशा छोड़ा है, एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोस्टिट्यूशन में भी गुरुजी ने इतना कराए, जो प्रोस्टिट्यूशन में फंसी हुई लड़कियां थी उनको बाहर निकालकर उनकी शादियां करवाई हैं बहुत ही अच्छे घरों में, और इसकी वजह से भी जिनका बिजनेस ही ये चीज है ड्रग्स का, प्रोस्टिट्यूशन का, तो ये तो ऑब्वियसली अगेंस्ट होंगे, एंड आई थिंक कि मतलब उनके बहुत ज्यादा कनेक्शंस भी होते होंगे जिनकी वजह से इतना ज्यादा ये केस जो है हाईलाइट हुआ है गुरुजी के ऊपर, जो केस हुआ है दैट इज हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ दीज ड्रग माफिया एंड दिस प्रोस्टिट्यूशन गैंग ओनली अकॉर्डिंग टू मी। अब देखा जाए 3 साल होने वाले हैं, अब गुरुजी सोसाइटी के अंदर नहीं है, सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं है, तो अब सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सोसाइटी के ऊपर देखो, आप खुद ही देखो कितना ज्यादा तूफान सा मचा हुआ है, पूरे देश में ही नहीं कह सकते हम, पूरी वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक दिस वायरस ओनली, ठीक है, ये वायरस भी एक तरह से मतलब मैसेज ये जाता है कि हाँ जो 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 एक सच्चे इंसान के साथ जो इतने सारे परफेक्ट गुरु हैं जो अच्छा सिखाते होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट काफी गुरु जो है मैंने सुना है कि इन्होंने काफी के साथ अच्छा नहीं किया है, तो जब हमारे धर्मों के खिलाफ ऐसी चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ गर्ल्स का रेप देख लो, रेप के केसेस कितने ज्यादा आ रहे हैं रिसेंटली ही, अभी कितनी वेल क्वालिफाइड थी जिसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी 1 crore rupees की, एक लड़की थी सुदीश आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो 12th class में उसको स्कॉलरशिप मिली थी एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू ईव टीजिंग,
और ई फ्रीजिंग काफी बढ़ गई है समाज में. यू कैन गर्ल्स कैन नॉट गो आउट ऑफ देयर होम आफ्टर 8 और 9 पीएम. आई डोंट थिंक इट इज सेफ फॉर गर्ल्स टू गो आउटसाइड. एंड ड्रग्स भी आप देख लो, पंजाब में तो काफी बुरा हाल है हर जगह पर ही. पंजाब में तो ऑलमोस्ट 98% यूथ जो है इट इज दे आर इन्वॉल्वड इन ड्रग्स ओनली. तो अब ये देखो हमारा यूथ जो है हमारा फ्यूचर है हमारी कंट्री का. एंड यूथ ही जब ड्रग्स में जा रहा है गलत कामों में जा रहा है तो उसको सुधारने के लिए कोई तो मोटिवेशन चाहिए ना. और गुरुजी ने इतनी मोटिवेशन किया है और आप देखो 6 करोड़ पीपल जो है उनका गुरुजी ने सारी बुराइयां छुड़वाई है. 6 करोड़ लोग नहीं होते तो अगर सकते हैं तो बाकी और जो अगर गुरुजी आएंगे तो औरों को भी तो समझाएंगे मोटिवेशन देंगे तो मे बी इंडिया कैन बी अ वेरी सेफ प्लेस एंड वेरी एजुकेटेड एंड वेरी गुड प्लेस टू लिव इन. जैसे हम अब ये सोचते हैं कि बाहर जाना चाहिए हमें, बाहर अच्छा है इंडिया खराब है, तो इंडिया को सुधारना भी तो हमें ही पड़ेगा ना. तो इसीलिए गुरुजी ने ही हमें ये शिक्षा दी है कि हाँ सोसाइटी को जितने भी हम अच्छे काम कर सकते हैं उतना करें ताकि सोसाइटी चेंज हो. और मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी को जरूर जरूर वापस आना चाहिए. गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप तो जरूर उठाना चाहिए इस कनेक्शन में. बिकॉज देखो गुरुजी आएंगे तो फिर सोसाइटी में अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा और जो बुराइयां हैं इस सोसाइटी में वो जरूर खत्म होंगी गुरुजी आएंगे तो. सोनाक्षी जी आज कितने लोग उनके साथ होंगे? जैसे आपने बताया उनके साथ पहले 6 करोड़ थे, आज कितने लोग होंगे उनके साथ? आज भी 6 करोड़ के 6 करोड़ ही है उनके साथ. एंड आपने, आप मीडिया से हो तो आपने जरूर देखा होगा जब अभी तो चलो फिलहाल वायरस है तो सब कुछ बंद पड़ा है. बट पहले की बात कर रही हूँ मैं, बिफोर दिस वायरस जैसे नॉर्मल सत्संग में रश होता था वैसे ही वहां पर उतनी ही भीड़ होती थी. जब और मैं भी हर हफ्ते जाती थी वहां पर, संडे के संडे आई यूज टू गो. एंड जितना भी पहले संगत आती थी, जितने भी पहले लोग आते थे उतना ही रश होता था वहां पर. इस टाइम पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि गुरुजी गए या फिर ऐसे, मतलब ऐसे इस चीज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि वहां पर लोगों ने आना कम कर दिया हो या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं. आप लोगों को क्या मैसेज दोगे जो आपने एक्सपीरियंस लिया है और लोगों ने एक्चुअली जो भी जाना है वो जितना लगातार उनको चैनल्स के द्वारा दिखाया गया उसी के द्वारा जाना है, आप क्या अपनी वीडियो के द्वारा लोगों को मैसेज दोगे? एक्चुअली मैं जो भी गलत बोलते हैं मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑल दिस इज ड्यू टू मीडिया ओनली. ठीक है, मीडिया इज आई थिंक 90% पेड मीडिया ही रह गया है आजकल और लोगों ने बस मीडिया के थ्रू ही जाना है गुरुजी को मोस्टली. एंड आई थिंक कि लोगों को एक बार जाकर देखना चाहिए वहां पर या फिर उनके वेलफेयर वर्क्स जो उन्होंने इतने सारे 140 के अराउंड जो वेलफेयर वर्क्स चलाए हैं गुरुजी ने उनके बारे में कोई रिसर्च करे. अगर किसी को ज्यादा ही डाउट है गुरुजी के ऊपर तो इन चीजों के बारे में पता करे, फिर उनको पता चलता है कि गुरुजी ने कितना भला किया है इस पूरे समाज का. और गुरुजी को, उनको भी यही लगेगा कि गुरुजी को क्यों वापस जरूर आना चाहिए. और यही है कि मोटिवेशन जो है वो 100 times ज्यादा हो जाएगी अगर जैसे गुरुजी आएंगे तो. लोगों में भी काफी मैसेज जाएगा कि हाँ हम, जो नॉन डिवोटीज है उनको भी ज्यादा मैसेज जाएगा कि हमें हेल्प करना चाहिए. लाइक जो गरीब है उनका, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको घर बनाकर देना चाहिए. बहुत सारे ऐसे आपने देखा ही होगा माइग्रेंट वर्कर्स को कितना ज्यादा परेशानी हुई है इस COVID-19 के पेंडेमिक में. तो उनकी हेल्प अगर गुरुजी यहाँ पर होते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई उनको दिक्कत महसूस करनी पड़ती. एंड मोस्टली कि यही है कि गुरुजी को अगर गुरुजी वापस जरूर आएंगे. और आई थिंक कि मुझे जुडिशरी पे अपना पूरा विश्वास है दैट द ट्रूथ विल विन वन डे. जो अभी इस टाइम ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो इसके लिए क्या डेरा सच्चा सौदा ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है? देखो गुरुजी, आपको देखा, आपने देखा ही होगा कि गुरुजी की 2 letters आई हैं. दोनों लेटर्स में गुरुजी ने यही मेंशन किया है कि जितना लोगों का हेल्प हो सके उतना ज्यादा करो. डिस्पाइट ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक
जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के वर्कर्स हैं उन्होंने मतलब कोई भी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ मतलब देयर सेफ्टी फर्स्ट दे हैव प्रोवाइडेड विद द सैनिटेशन एंड फूड फॉर द माइग्रेंट्स एंड फॉर ऑल द पुअर पीपल विच आर नॉट एबल टू गेट फूड प्रॉपरली इन दिस पेंडेमिक. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब खाने को बिल्कुल मिला ही नहीं है क्योंकि मीडिया में हम ये चीज देख नहीं सकते हैं. ग्राउंड रियलिटी जब हम जाएंगे वहां पर तभी हमें पता चलती है. एंड ग्रीनेस वर्कर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है ऐसे लोगों की. घर भी अभी बना कर दिया है, काफी लोगों को घर भी बना कर दिया है और मोस्टली एवरी डे दे प्रोवाइड फूड फॉर द पुअर पीपल विच आर नॉट एबल टू गेट फूड थ्री टाइम्स अ डे. एंड सैनिटाइजेशन सारी एक्टिविटीज इन्होंने की है, सैनिटाइज किया है काफी जगहों को अपने लेवल पर एंड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओनली. आप गुरुजी के लिए सरकार से क्या अपील करेंगे? मेरी सरकार से यही अपील है कि सरकार को खुद ही पता है कि काफी डिग्रेड हुई है सोसाइटी की हालत पिछले 3 साल में, अप्रोक्सीमेटली 3 साल में, और काफी ज्यादा मेरे हिसाब से काफी ज्यादा केसेस आने लगे हैं ड्रग्स के और इन सब चीजों के, रेप्स के और ये मतलब काफी जो है अपने पेरेंट्स को भी मार देते हैं इतना नशे के हालत में होते हैं. तो ये चीज सिर्फ गुरुजी मेरे को लगता है कि ठीक कर सकते हैं और गुरुजी की मोटिवेशन से ही जो मेथड ऑफ मेडिटेशन वो प्रोवाइड करते हैं उसकी हेल्प से हम किसी भी अपने अंदर जो भी कोई विल पावर की कमी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, उसको हम पूरी कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट से मैं यही चाहूंगी कि प्लीज जितना जल्दी हो सके गुरुजी हमारे बीच होने चाहिए ताकि सोसाइटी का भला हो, इस देश का भला हो और इस अर्थ का भला हो. और मैं बस यही विनती करूंगी कि जो भी प्रोसेस है, ज्यूडिशियल प्रोसेस है, वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए ताकि हम मतलब सोसाइटी वाइज भी और गुरुजी को यहाँ पर ला सके. जी जी, थैंक यू सो मच सोनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. अपना एक्सपीरियंस एज ए जो आपने डेरा सच्चा सौदा में जाकर देखा है और आपने एक्सपीरियंस किया है हमारे साथ शेयर करने के लिए. दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोनाक्षी जी जो एक आईटी इंजीनियर हैं, वेल एजुकेटेड हैं और करंटली ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. बहुत ही नज़दीक से ये हमारे देश की सर्विसेज के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ भी जुड़े हुए हैं. इन्होंने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा को बहुत नज़दीक से देखा है. ये हॉस्टल में रहे हैं, जो लड़कियों का हॉस्टल दिखाया गया था आपको उसकी क्या सच्चाई है उसके बारे में ये खुद जो 3-4 सालों वहां रहकर आए हैं, वहां लगातार गुरुजी को मिलते रहे हैं, रूबरू होते रहे हैं, उनसे बातचीत करते रहे हैं, आज आप लोगों के सामने आकर बता रहे हैं कि सब कुछ उनके बारे में जो दिखाया गया चैनल्स पे, जहां उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं. आखिर क्यों इस तरीके से इन लड़कियों को, जडेरा सच्चा सौदा में जाने वाले लोगों को, जैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इन सबको बदनाम किया गया, क्या है वजह? ये सवाल आपके लिए, सोचिएगा जरूर और अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में. देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, इस सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद.